एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करते हैं इथेनॉल का प्लीजेंट स्मेल रहता है जबकि जो इथेनॉइक एसिड है इसका बहुत ही में रहता है 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 सांस बंद करने वाला। की बात करेंगे। का boiling point है, 351 जबकि का 351 जबकि 391 मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इथेनॉल है उसका boiling point कम है, जबकि इथेनॉइक एसिड का ज़्यादा है। एक्शन ऑन लिटमस इथेनॉल का litmus के ऊपर कोई नहीं आता। ज नो एक्शन ऑन द लिटमस जबकि जो इथेनॉइक एसिड है ये ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देता है केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो हमारे पास इथेनॉल है ये सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट नहीं करती है जबकि इथेनॉइक एसिड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करता है अगर आपको ये रिएक्शंस को ध्यान से समझना है तो एक वीडियो लिंक गिवन है जिसमें मैंने इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड दोनों के बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है आप तो उस वीडियो को देख सकते हो नेक्स्ट रिएक्शन विद अल्कलाइन KMnO4 दिस पोटेशियम परमैंगनेट ये जो हमारे पास इथेनॉल है ये पोटेशियम परमैंगनेट के पिंक कलर को डिस्चार्ज कर देता है जबकि इथेनॉइक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट के पिंक कलर को डिस्चार्ज नहीं करता तो इस तरह से हम लोग इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज